दोस्तों, आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया को डिस्कस करेंगे जिसका हमारे देश में और विदेशों में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। यह बिजनेस आइडिया बहुत ही प्रॉफिटेबल है क्योंकि इस बिजनेस में आपकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम मार्केट की बात करें तो इस बिजनेस का मार्केट इंडिया में करीब 350 करोड़ रुपए का है और एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक यह मार्केट इंडिया में करीब 550 करोड़ रुपए का हो जाएगा। दोस्तों, आज हम इसब गोल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करने जा रहे हैं। यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि इसब गोल की जो सीड होती है वह करीब 140 रुपए से 150 रुपए पर केजी में मिलती है। जब आप इसको प्रोसेस करके मार्केट में बेचते हैं तो वहां पर यह ग्राम के हिसाब से बिकता है, यानी कि आपको 100 ग्राम का एक पैकेट 150 से 200 रुपए में मिलेगा, यानी कि करीब करीब 1,500 से 2,000 रुपए पर केजी इसकी प्राइस है। वहीं अगर आप इसको होलसेल मार्केट में सेल करते हैं तो वहां पर यह आपको खुले में 300 रुपए से 400 रुपए पर केजी में बिकता है, यानी कि यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। यही वजह है कि आज हमने इस बिजनेस आइडिया को सिलेक्ट किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज के इस बिजनेस के टॉपिक में हम जानेंगे कि आप यह बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इस बिजनेस में आपकी अर्निंग कितनी होगी और साथ ही साथ इस बिजनेस के प्रोजेक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा, हमारी अर्निंग कितनी होगी और हमारी प्रॉफिट मार्जिन क्या होगी। इन सब को बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको किन किन प्रकार की मशीनों की जरूरत पड़ती है और इसका प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सब गोल का इस्तेमाल हेल्थ बेनिफिट के लिए किया जाता है। यह कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही लाभदायक है, इससे आपका वेट भी लूज होता है। यह गैस्ट्रिक के पेशेंट के लिए भी बहुत लाभदायक है, जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो गया है उनके लिए भी यह बहुत लाभदायक होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर को कम करता है और इस प्रकार से अनेकों इनके फायदे हैं। इन्हीं वजहों से इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, इस सब गोल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वह है इस सब गोल का सीड। इसकी सबसे ज्यादा खेती राजस्थान में होती है, तो आपको वहीं से इसके सप्लायर्स मिलेंगे जहां से आप इसे खरीद सकते हैं। अमूमन इनकी कॉस्ट जो होती है वह करीब 140 रुपए से 150 रुपए पर केजी में होती है, लेकिन अगर आप बल्क में खरीदेंगे तो आपको अच्छी कीमत मिलेगी। इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वह भी सिंपल है। सबसे पहले इस सब गोल के सीड को क्लीन किया जाता है, जो कि 2-3 प्रोसेस से जाके गुजरता है। इसके क्लीनिंग में मैग्नेटिक सेपरेटर की जरूरत होती है, वाइब्रेटर सेपरेटर की जरूरत होती है, जो इनमें से धूल कण और जो मेटल के कोई चीज है तो उनको वह हटा देता है। सफाई होने के बाद इसको ग्राइंडिंग मशीन में डाला जाता है। ग्राइंडिंग मशीन में इस सब गोल के जो सीड होते हैं उनके छिलके जो होते हैं वह निकल जाते हैं। इसके बाद इनको विनोइंग सेक्शन में डाला जाता है, जहां पर की तेज हवा का फोर्स आता है इनके ऊपर, जिससे कि इनके जो छिलके होते हैं, जो इनके हस्क होते हैं, वह बाहर निकल जाते हैं। फिर इसे ग्रेविटी सेपरेटर मशीन में डाला जाता है, जिनसे कि यह हस्क को और इनके छिलकों को अलग अलग कर लिया जाता है और इसके बाद तैयार हस्क को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर जो वेस्टेज होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनको भी कैटल फीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप उसे कैटल फीड के लिए भी बेच सकते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले जो मशीन्स हैं वह है QC टेस्टिंग लैब सेटअप। आपको एक लैब सेटअप करना होगा जहाँ पर कि आप क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैग्नेटिक सेपरेटर मशीन की जरूरत होगी, वाइब्रेटर सेपरेटर मशीन की जरूरत होगी, आपको ग्रिल मशीन की जरूरत होगी, आपको साइक्लोन सेपरेटर की जरूरत होगी, विनोइंग मशीन की जरूरत होगी, आपको ग्रेविटी सेपरेटर की जरूरत होगी, आपको एक फिलिंग मशीन की जरूरत होगी और आपको बैक स्विंग मशीन की जरूरत होगी और आपको वेइंग मशीन की भी जरूरत होगी। यहाँ पर जो मैंने मशीनों के नाम बताए हैं यह एक्चुअली लार्ज सेटअप की मशीन है, तो अगर आपका एक स्मॉल सेटअप है इसमें बहुत सारे मशीन आप हटा भी सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको इन सारी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इसमें हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी और हमारी प्रॉफिट मार्जिन क्या होगी। दोस्तों, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वह इसब गोल का सीड होता है, जिसको कि आप 140 से 150 रुपए पर केजी खरीद सकते हैं। अगर आप इसको बल्क में परचेज करते हैं तो आप इसे और भी सस्ता खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन के लिए 140 रुपए पर केजी ही लिया है। अब हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा 1 केजी का, जिसमें कि हमने इंक्लूड किया है अपने सारे स्टाफ की सैलरी,
जिसमें कि आपका सुपरवाइजर होगा, आपके लेबर्स होंगे, आपके अकाउंटेंट होंगे, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। इसके साथ ही साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी को भी ऐड किया है इसमें, और मशीन के मेंटेनेंस को भी ऐड किया है, मशीन के डेप्रिसिएशन को भी हमने ऐड किया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमने इसमें ऐड किया है। अगर आपने बैंक से लोन और ईएमआई ले रखा है तो उसकी भी ईएमआई की कॉस्ट हमने इसमें ऐड करी है, उसकी भी हमने इंटरेस्ट की कॉस्ट इसमें ऐड करी है। ऑफिस सेटअप और ऑफिस मेंटेनेंस की जो डे टू डे खर्च होते हैं उनको भी हमने इसमें ऐड किया है। तो उस प्रकार से जो कॉस्ट आता है हमारा पर केजी का, वह आता है 21 रुपया। और इसके अलावा हमने सेल्स और मार्केटिंग को बिल्कुल सेपरेट हेड में रखा है। सेल्स और मार्केटिंग के लिए आपको अपनी सेल्स टीम को हायर करनी पड़ेगी, कुछ लोग रखने पड़ेंगे जो आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, जो आपके लिए सेल्स करेंगे B2B में, होलसेल में और रिटेल में। तो वहां पर जो हमारा कॉस्ट आएगा पर केजी का, वह आएगा 12 रुपये। तो इस हिसाब से जो हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ पर केजी का, वह हुआ 173 रुपीज। दोस्तों इसके पीछे बहुत ही डीप कैलकुलेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वह वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं, वह कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट करके यस करें। अगर 100 से ज़्यादा लोगों ने यस कहा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और यह वीडियो क्योंकि लंबा बनेगा, लेंदी बनेगा, इसलिए मुझे मेहनत भी उसमें काफ़ी करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों की यह राय जानना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को वह डिटेल वीडियो भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। तो दोस्तों अब हम एक बिजनेस प्रोजेक्शन को देखते हैं कि अगर आप एक मीडियम साइज का मशीन लगाते हैं, मीडियम साइज का अगर आप एक बिजनेस सेटअप करते हैं जिसमें कि आपकी मशीन की पर डे की जो प्रोडक्शन है वह अप टू 3 टन है, यानी कि 3000 किलो है, तो आपका जो अर्निंग होगा महीने का वह क्या होगा। तो आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो रॉ मटेरियल लिया है वह लिया है 3000 केजी, यानी कि 3 टन। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल से जो आउटपुट निकलता है वह आपका 80% निकलता है, यानी कि अगर आप 100 केजी का रॉ मटेरियल लेंगे तो उससे करीब 80 केजी का इसबगोल निकलेगा, बाकी 20% जो है वह वेस्टेज चला जाता है। तो अपने इस प्रोजेक्शन में हमने 3000 केजी का इसबगोल का सीड लिया है और उससे हमारे को आउटपुट जो आएगा वह करीब 2400 केजी का आउटपुट आएगा, यानी कि हमारे को इसबगोल मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है जो हमने पहले निकाला था 173 रुपीज पर केजी, अगर उसको हम 3000 केजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा वह आएगा 5,19,000। वहीं होलसेल मार्केट में आपका यह इसबगोल 300 से 400 रुपए पर केजी बिकता है। तो अगर आप इसे 300 रुपए पर केजी भी सेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा पर डे का जो सेल्स वैल्यू है वह है 7,20,000। अब हम अपने सेल्स को टोटल कॉस्ट से अगर माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है, जो कि निकलता है 2,01,000। अगर इसको हम 30 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा महीने का प्रॉफिट निकलेगा, जो कि करीब निकलता है 60,30,000। अगर हम यहाँ पर अपनी प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वह करीब है 27.92%, यानी कि करीब करीब 28%। तो इस मीडियम साइज का जो मशीन है इसका जो कॉस्ट आएगा वह करीब आपको 17,00,000 से 21,00,000 रुपए के बीच में आएगा। वहीं आपका जो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लगेगा वह करीब 15,00,000 रुपए का लगेगा। तो टोटल जो आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वह करीब 40,00,000 रुपए का है। यहाँ पर जो हमारी 60,00,000 रुपए की जो अर्निंग है यह हम अपने फुल कैपेसिटी में निकाल रहे हैं, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वह सारा प्रोडक्शन हम सेल भी कर रहे हैं। आप इस लेवल पे तुरंत नहीं पहुंचेंगे, इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम 1-1.5 साल की मेहनत लगेगी, यानी कि बिजनेस सेटअप करने के पहले 3 से 4 महीने में आपकी अर्निंग बहुत कम होगी, आप मे बी लॉस में जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपका ब्रेक इवन आएगा और उसके बाद जब आपका एक सेल्स नेटवर्क सेट हो जाता है तब आप इस तरह की इनकम जनरेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं और आप रिटेल मार्केट में एंटर करते हैं तो वहां पर आपकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा होती है। अगर वहां पर आपने मार्केट पकड़ लिया तो आपकी कमाई और भी ज्यादा होगी। होलसेल मार्केट में जहां आप 300 रुपए पर केजी सेल कर रहे हैं, वहीं रिटेल मार्केट में 100 ग्राम का इसबगोल 300 से 250 रुपए में मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर आपकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी ज्यादा होगी, करीब 10 गुना ज्यादा होगी। इसके अलावा इसबगोल का विदेशों में भी बहुत डिमांड है, आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको एक्सपोर्ट के बारे में पता नहीं है तो आपको वह वीडियो जरूर देखना चाहिए।
दोस्तों अगर हम सेल्स और मार्केटिंग की बात करें तो होलसेल मार्केट में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वह करीब 25-30% के बीच में होता है। वहीं अगर आप इसे अच्छे पैकेजिंग करके, अच्छी ब्रांडिंग करके अगर आप रिटेल मार्केट में इसे सेल करते हैं तो वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा होता है। तो आपको चाहिए कि आप शुरुआत से ही दोनों ही मार्केट को टारगेट करें। अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप इसी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड लोगों को हायर करें सेल्स में, मार्केटिंग में, जो आपका एक अच्छा खासा सेल्स नेटवर्क बना के देंगे। और एक बार जब आपका सेल्स नेटवर्क डेवलप हो जाएगा तो आपका सेल आसानी से शुरू हो जाएगा। इन तरह के लोगों को हायर करने के लिए आप किसी HR एजेंसी को, प्लेसमेंट एजेंसी को हायर कर सकते हैं। वो आपके लिए स्क्रीनिंग करके, इंटरव्यू करके आपको राइट कैंडिडेट भेजेंगे। और अगर आप इसको रिटेल मार्केट में बेचते हैं अच्छी ब्रांडिंग करके, अच्छी पैकिंग करके, तो वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा होता है। वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन करीब 7-10 गुना होता है। तो आपको चाहिए कि आप शुरुआत से ही होलसेल मार्केट, B2B मार्केट को भी टारगेट करें और इसके साथ साथ आप अपना खुद का ब्रांड बना के रिटेल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल करें, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को अपना माल बेच सकते हैं, उनके लिए आप व्हाइट लेबल कर सकते हैं, यानी कि आप उनके लिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उनका लेबल लगाकर उनको सप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो व्हाइट लेबलिंग प्रोवाइड करती है, जैसे कि पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, झंडू हो गया। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, बिग बास्केट पे। क्योंकि यह एक बड़ा बिजनेस है, इसकी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप अच्छे लोगों को हायर करें जो मार्केटिंग में अच्छे हों, जो सेल्स में अच्छे हों। दोस्तों नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।